हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बार ग्राफ और साथ ही साथ डाटा हैंडलिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट आपके वर्ड्स होते थे, जैसे रेंज और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना, इन सभी के बारे में हमने दो वीडियो में पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 सोल्यूशन लेकर चलेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लेकर चलते हैं, जिसमें है फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। किस इसमें जो चार पार्ट दिए गए, इसमें किसमें आप हिस्टोग्राम यूज करेंगे इन डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, था ना? हाउ टू यूज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। जैसे पहला दिया है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग्स, नंबर 2 द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन ए एथलेटिक मीट, और नंबर 3 द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी, एंड द नंबर डी द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 to 7 AM 8 A स्टेशन एंड गिव रीजन फॉर ईच, पूछा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन सभी डाटास को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम के बारे में जान लेते हैं, कैसे हिस्टोग्राम बनाई जाती है। हमने इससे पिछले वीडियो में आपको बार ग्राफ बताया था। हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए क्या चीजें चाहिए? हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए एक इक्वल क्लास इंटरवल होना चाहिए। इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब होता है, जैसे मुझे अगर कोई मिल जाए कि जैसे मुझे मिल जाए एक क्लास इंटरवल 0 से 5 के बिटवीन, 15 बच्चे हो गए, फिर 0 से 5 हो गए, 5 से 10 के ए 5 से 10 A के बिटवीन किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले, मान लीजिए या हमारे पास जो किसी फैमिली में कितने बच्चे हैं, तो मान लेते हैं फैमिली या विलेज को ले लिया जाए, तो 5 से 10 A के कितने बच्चे उस विलेज में हैं, मान लीजिए 20 हो गया। फिर 10 से लेकर 15 की बात कर लें, अगला 15 से लेकर 20 तक की एज के बच्चों को काउंट करना हो, जिसमें इक्वल क्लास इंटरवल मिलता है वहां हिस्टोग्राम ड्रा की जाती है। देखिए हिस्टोग्राम कैसे होते हैं, सबसे पहले जैसे आपने बार ग्राफ पढ़े थे वैसे हिस्टोग्राम होते हैं। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम देख रहे हैं, ठीक है? तो आप एक लाइन खींचेंगे जो कि एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आप खींच लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना? और हिस्टोग्राम ड्रा करते समय आपको दे दिया जाएगा 0 से 5 ईयर्स वाले, मान लीजिए आपके पास 10 बच्चे हैं उस विलेज में, ठीक है ना? 5 से 10 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं वो आप सपोज कीजिए 15 15 स्टूडेंट हो गए। ऐसे ही 10 से लेकर मान लीजिए 15 ईयर्स की एक इक्वल क्लास इंटरवल साइज इस तरह से दिया गया। देखिए ग्रुपिंग एक सही बनाई गई है, तो ऐसे ग्रुपिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली वाली मान लीजिए आपकी स्टार्ट हो गई 20 से 25, तो अगला होगा 25 से 30, ठीक है ना? 0 से स्टार्ट ना हो, और मान लीजिए स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है 10 से लेकर 15, तो अगला होगा 15 से लेकर 20 15 से लेकर कितना होगा 20 होगा, 5 5 का डिफरेंस ले लीजिए, अगला होगा 20 से ले लीजिए तो 20 से लेकर कितना होगा 25 तक, 5 5 का डिफरेंस चले। तो ऐसे में देखिए इस तरह से भी हो सकते हैं कि 10 से 15 ईयर्स वाले 15 से 20 ईयर्स वाले, 10 से 15 15 से 20 एंड 20 से 25 ईयर्स वाले कितने कितने बच्चे हैं। ऐसे में जो पहली वाली गैपिंग होती है, जैसे पहली वाली क्या होना चाहिए 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, अब 0 से नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या एक इक्वल इंटरवल पर, हम 10 0 सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कट करना शुरू करते हैं। 5 5 का डिफरेंस ले लीजिए, आपको लगता है 5 5 का लेना 5 5 ले लीजिए, ठीक है ना? और नहीं तो 5 5 नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप 10 10 ले सकते हैं, जबकि यहाँ पर 5 5 का क्लास इंटरवल गैपिंग हो तो मैं यहाँ पर 5 5 पर टिक करता चलूंगा। देखिए एक 5 हो गया, दूसरा 5 10 हो गया, तीसरा 15 हो गया, अगला मान लीजिए 20 हो गया, इस तरह से हमारे इंटरवल चलते हैं। और यहाँ पर जो हो गया इनकी एजेस जो होती है ये एज को रिप्रेजेंट कर देगा। एज मतलब हो गया मान लीजिए हमने यहाँ पर सबसे पहला 10 ले लिए, उसके बाद 20 ईयर्स के हो गए, 30 ईयर्स के हो गए, एक इक्वल इंटरवल पर आपने 10 10 कट लगा दिए। अब बात करना हो कि हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए 10 से स्टार्ट हुआ है, जबकि ये स्टार्ट हुआ कितना, मान लीजिए हमने ले लिए थे 10 लिए थे या 5 5 पर ले, तो 5 हो गया, नेक्स्ट 10 हो गया, अगला हो गया 15 हो गया, है ना? 5 10 15, और उसके आगे आप चलना चाहें तो आप आगे चलते चलिए, तो ये हो जाएगा 20, नेक्स्ट 25 और नेक्स्ट आ जाएगा 30। इस तरह से ये आपकी डाटा जितनी होंगे उसको इंक्रीज करते जाएंगे। जबकि देखिए स्टार्ट किया है 10 से 15, तो 10 से हम फिर बनाएंगे लेकिन बाकी जो डाटा होगा तो उसको जिगजैग कर देते हैं, ऐसे डाटा कर देते हैं। इसका मतलब हमें इससे पहले की वैल्यू के बारे में एग्जैक्ट हम इसको ड्रा नहीं कर पाते हैं,
तो हम इसको जिगजैग करते थे। जिगजैग मतलब ये जो लाइन होती है, ये देखिए लाइन है ना, इस लाइन को आपको क्या करना पड़ता, ऐसे बना देते हैं, इसको बोलते हैं जिगजैग। मतलब इससे पहले वाले को ड्रा नहीं कर रहे हैं, हमारा डाटा स्टार्ट होगा और 10 से स्टार्ट होगा, तो गैपिंग इतना ही रखिएगा, ठीक है ना। गैपिंग मतलब 10 को और पहले कर दीजिए और जिग्स यहाँ से 10 रख दीजिए, और गैपिंग इतना ही कर देंगे तब भी पता चल जाएगा कि ये जिगजैग मतलब इससे पहले वाले डाटा को हम ड्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर 10 लिख दिए, कोई बात नहीं। अब हम हिस्टोग्राम ड्रा कर रहे हैं, 10 से 15 साल के बच्चे उस विलेज में कितने हैं, कितने हैं, 10 है। तो 10 से 15 साल के बच्चे देखिए 10, यहाँ 10 है, तो 10 के लिए क्या करेंगे, 10 के ऊपर आप 10 वाली एक लाइन खींच देंगे जो उतनी हाइट का होना चाहिए, ठीक है। कितने से कितने तक है, 10 से लेकर 15 तक के हैं, तो 10 से लेकर 15 तक के लिए आप 10 और 15 दोनों पर उतनी ही हाइट की दो लाइनिंग खींच दीजिए, और ये जो हाइट दिखानी चाहिए ये इतनी हाइट दिखनी चाहिए, मतलब अभी थोड़ा नीचे है तो ये थोड़ा मैंने और ऊपर कर दिया, और ये हो गया 10 से 15 तक रिप्रेजेंट करने वाले। 10 से 15 ईयर से कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हो गए। अगला दिया 15 से लेकर 20 तक, 15 से 20 की बात करें तो यहाँ 15 है और ये 20 है, तो 15 से 20 ईयर कितने हैं, 15 साल है। तो ये देखिए 10 है, ये 20 है, यहाँ 20 में 15 हो गए, 15 हो गया। तो अब डाटा कैसे बनाएंगे, पहले तो एक आप हाइट ले लीजिए इक्वल की, यहाँ पर 15 आएगा, इसके 15 के जस्ट सामने वाले ये 15 आएगा, ठीक है। अब 15 के ऊपर 15 इतने ही हाइट तक की एक लाइन खींच दीजिए, देखिए हमने खींच दिए 15 हो गया, 15 से लेकर 20 तक के लिए इतनी ही हाइट के दो लाइन खींच दी। ये जो है आपका 15 को दिखा रहा था डॉट, हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, देखिए हम इसको ज्वाइन कर दिए, चलिए हमने इसको ज्वाइन कर दिए। तो ये हो गया 10 से 15, 10 बच्चे हैं, 15 से लेकर 20 ईयर्स के बच्चे कितने हैं, 15 हो गए। अगला इसी तरह से 20 से लेकर 25 करना, तो देखिए 20 हो गया और ये कितना हो गया, 25, कितने होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो 10 आप ले लीजिए, यही 10 था, देखिए यही लाइन 10 की थी। तो इसके सिमिलर में आप चलना चाहें तो सिमिलर में डॉट लगा दीजिए, ये हमने डॉट लगा दिए। अब आप जो है 20 चलना हो इतने ही हाइट के लिए 20 ड्रा करिए, देखिए 20 का हो गया और ये हो गया 25 के लिए हो गया, दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, ये मिला दिए मान लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास 20 से 25 तक। अगला इसी तरह से अगर मान लीजिए 25 से 30 होगा, तो मान लो 20 होता तो 20 तक लाइन खींच लेते, ठीक है ना, 20 तक लाइन खींच लेते। तो ये हो गया 20 से 5 30 तक के लिए, 25 से 30 के लिए, 20 तक के लिए बनाकर चलेंगे। तो ऐसे जो ग्राफ बनते जिसमें ये जो आपके रेक्टेंगल का शेप होता है वो एक दूसरे से टच करते हैं, मतलब ये गैपिंग नहीं होती। बार ग्राफ में क्या होता है, एक इक्वल इंटरवल होना चाहिए, उनके बीच में वायर्स बराबर होना चाहिए था और डिफरेंट। तो हिस्टोग्राम में, लेकिन हिस्टोग्राम में जो कंडीशन होती है इसमें एक दूसरे से, ये एक दूसरे से मिले होते हैं, इसमें बीच में वायर से इक्वल डिफरेंस नहीं लेना पड़ता, बट इनके क्लास इंटरवल्स बने होते हैं, ठीक है ना। तो क्लास इंटरवल होना जरूरी है किसी भी हिस्टोग्राम को ड्रा करने के लिए। इस तरह के अगर कोई ग्राफ बनते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह क्या बनते हैं, हिस्टोग्राम बना करते हैं, ओके। और जब आपकी गैपिंग मैंने आपको बार ग्राफ में बताया था, तो इसमें बोला था मैंने इक्वल इंटरवल लीजिए और डिफरेंट हाइट के इक्वल इंटरवल होना चाहिए। जैसे ये मैंने आपको बना दिया, ये क्या है, एक बार ग्राफ था जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ये जो बीच में वायर्स होनी चाहिए वो सब में कम बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वायर्स डिफरेंट, दोनों में अंतर यही है कि एक दूसरे से पे चिपके हुए हैं और वो देखिए दोनों अलग अलग है, तो वो बार ग्राफ हुआ। और ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है ना, हिस्टोग्राम। तो आप पहचान लीजिएगा सबसे पहले कि हिस्टोग्राम क्या है और बार ग्राफ क्या है। अब हमें पूछा गया है कि इन सभी फिगर्स में, जैसे क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी में, कौन से फिगर्स का हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए क्लास इंटरवल्स का होना जरूरी होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है, द नंबर ऑफ लेटर ऑफ डिफरेंट एरिया फॉर डिफरेंट एरिया इन ए पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन के बैग में मतलब डिफरेंट एरिया के जो लेटर्स हैं, ये जरूरी नहीं को क्लास इंटरवल बनाकर चलें भाई, किस एरिया डिफरेंट एरिया के जो लेटर्स होंगे ये जरूरी नहीं है कि वो क्लास इंटरवल बनाकर चले। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं बी की बात करूं कि द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट, किसी एथलेटिक मीट में पार्टिसिपेट करने वाले जो हमारे क्या है कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी हाइट की बात करें, तो वो हाइट तो हम जैसे बोल सकते हैं कि आप बताइए कि जो है 4 फीट से लेकर 5 फीट के कितने कितने कंपटीटर्स हैं, तो आप वहां पर आइडिया लगा सकते हैं कि 4 से 5 फीट का एक बना लीजिए ग्रुप कि इतने कंपटीटर्स 4 से 5 फीट के हैं।
पांच से छह फीट के इतने हैं, छह से सात फीट के इतने हैं, बट लेटर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं लगा पाते हैं। क्या आइडिया लगाते हैं किस किस एरिया के कितने डिफरेंट लेटर होंगे? तो इस जो यहाँ पर जो है लेटर पार्टिकुलर पर्टिकुलर लेटर को अगर बताना कि इस तरह के लेटर मतलब इस एरिया के इतने लेटर्स हैं, इस एरिया के इतने लेटर्स हैं, तो वहाँ क्लास साइज नहीं मिल रही है। वह जो एयर कंडीशन जो होगी इसको आप बार ग्राफ से दिखा सकते हैं कि मतलब इस विलेज में इतने लेटर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इस विलेज में इतने लेटर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि 5 से 10 जो है 5 से 10 लेटर इस विलेज में जाएगा, 10 से 15 इसमें जाएगा, 15 से 20 इसमें जाएगा, ये इंटरवल नहीं बन पाती है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए का हिस्टोग्राम ड्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ड्यू टू नॉट इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ बस आप ओनली नो लिखेगा, तो पूछा ना कि विच ऑफ दिस वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू द डाटा, तो नंबर द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन ए पोस्टमैन बैग, तो यहाँ आंसर बनेगा नो वी कैन नॉट ड्रा हिस्टोग्राम बिकॉज ड्यू टू बिकॉज डिफरेंट लेटर्स डिफरेंट एरिया फॉर डिफरेंट लेटर्स है, तो इसका इक्वल क्लास इंटरवल नहीं बन रहा है, तो बस ओनली आपको नो इसका लिखना है। दूसरे बी पार्ट की बात कर रहा है, बी पार्ट में पूछा था कि एथलेटिक मीट में जो कंपटीटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके हाइट को लेना हो, तो ये लिया जा सकता बिकॉज इसमें हाइट की ग्रुपिंग की जा सकती है। हाइट की ग्रुपिंग मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 फीट से 5 फीट के जितने हाइट वाले कंपटीटर्स वो कितने हैं, 5 फीट से 6 फीट वाले कितने कंपटीटर्स हैं, 6 से 7 फीट वाले कितने हैं, तो इस तरह से ग्रुपिंग तो बना सकते हैं। इस तरह से जो ग्रुपिंग बन सकती है जिसकी ग्रुप बनाकर हम लिख सकते हैं इसको, वहां पर हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम इज पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हिस्टोग्राम पॉसिबल है। ओके, नंबर सी है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनी, किसी कंपनी में कितने कैसेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी में बहुत ज्यादा किसी में बहुत कम, ये कोई आइडिया नहीं बताया, बस ये दिया कि नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी, 5 कंपनी में नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो आइडिया तो ये नहीं दिया ना कि किस कंपनी में कितने कैसेट प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर भी क्लास इंटरवल नहीं बनाए जा सकते, इसलिए यहाँ पर भी हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन, किसी भी स्टेशन पर 7 सुबह से 7 बजे शाम तक के लिए जितने पैसेंजर बोर्डिंग मतलब जितने पैसेंजर ट्रेन में बैठते हैं, अगर उनका बनाना हो, क्या बनाना, हिस्टोग्राम बनाना हो, तो ये पॉसिबल होगा या नहीं, तो हम बता सकते, मान लीजिए 7 बजे से शाम को 7 बजे की बात कर रहा, हम टाइमिंग को बांट लें, क्या बांट लें, अगर हम सुबह 7 बजे बांट लें, 7 से 8 में कितने पैसेंजर गए, 8 से 9 में पैसेंजर कितने गए, 9 से 10 में कितने पैसेंजर गए ट्रेन में चढ़ने के लिए, 10 से 11 में कितने पैसेंजर गए ट्रेन में चढ़ने के लिए, तो ऐसे तो हम ग्रुपिंग बना सकते हैं। ऐसे अगर ग्रुपिंग बन सकती है, क्लासेस बन सकते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल बनाए जा सकते हैं, जब इक्वल क्लास इंटरवल बनाए जा सकते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि वहां हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, एस होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया रीजन है, जहां नो है यहां लिख सकते हैं नो क्लास इंटरवल, नो इक्वल क्लास इंटरवल, और जहां एस है वहां लिख सकते हैं बिकॉज इक्वल क्लास इंटरवल कैन बी ड्रा, या इक्वल क्लास इंटरवल इज यहां पर इज पॉसिबल हियर। ओके, तो ये आपके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए और ये आंसर आपके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन वुमेन बॉयज एंड गर्ल्स, कितने आए थे, कैसे आए थे, देखिए दिया है द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। देखिए ये आपके वुमेन पहले आए, फिर वुमेन आए, फिर गर्ल्स है, फिर बॉयज, फिर वुमेन में, इस तरह से पहले मॉर्निंग में जो फर्स्ट आवर में मॉर्निंग में आने वाले जो भी हमारे पास लिखा है ना, द लिस्ट गिव्स द शॉपर हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, ये पूरी लिस्ट दी गई है। इसको बोला गया है कि मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स एंड ड्राई बार ग्राफ टू इलस्ट्रेटेड, हमें इस डाटा को लेकर डाटा जितने भी होंगे, जितने वुमेन बॉयज गर्ल्स एंड मेन जितने भी होंगे, इनको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करेंगे और बाद में उसके बाद टेलीमार्क्स की बेसिस को, उसके बाद हम उसी का बार ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास जो भी डाटा है उसके हम
क्या ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो चलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहां हम ड्रा करने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबल, ठीक है ना, ये हम ड्रा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास सॉपर्स हैं उनको लिख लीजिए, सॉपर्स में क्या क्या है, मेल है फीमेल्स है ना, सॉपर्स हो गए। यहाँ आप बना लीजिए टैली मार्क्स, क्योंकि बिना टैली मार्क्स के काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, है ना, टैली मार्क्स। और यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी या नंबर्स हो जाएंगे उनके, ठीक है, कितने नंबर्स में हुए, फ्रीक्वेंसी या नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। हम तीन लाइन खींच लेते हैं बाय यूजिंग स्केल से। चलिए हमने तीन लाइन ड्रा कर दिए, ओके, एक हो गया और ये टैली मार्क्स हो जाएंगे और यहाँ पर नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो सॉपर्स हो जाएंगे, सॉपर्स को देख लीजिएगा, सॉपर्स हैं टैली मार्क्स में, इनको भी हम बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास तीन नंबर्स के लिए, ठीक है ना। इसमें हमारे पास फोर पर्सन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं सॉपर्स में, एक तो मैन होते हैं, वुमेन होते हैं, बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं। तो चार ब्लॉक भी बना लेते हैं, फोर ब्लॉक बनाते हैं ताकि इनको हम ड्रा कर पाए, ठीक है ना, मतलब टैली मार्क्स बनाए तो दोनों एक दूसरे के अंदर में ना आ जाए। तो मैंने इसके लिए फोर ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है, एक ब्लॉक हो गया, दूसरा हो गया मान लीजिए मैन के लिए, मैंने यहाँ बना दिया मैन के लिए। लाइनिंग आप खींच लीजिएगा इस तरह से, फोर ब्लॉक बना लीजिए दो, और तीसरा ये मान लीजिए आपका हो गया, तीसरी लाइनिंग यह हो जाएगी और चौथी लाइनिंग ये मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फोर हो गए। अब हम इसके नेम लिख देते हैं सबसे पहले वन बाय वन, उसके बाद काउंट करना शुरू करते हैं टैली मार्क्स के लिए। यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर मैं वुमेन को काउंट कर लेता हूं, वुमेन्स के लिए क्या है आप डब्ल्यू यूज कर रहे हैं। यहां पर मेन्स के लिए काउंट कर लेता हूं, मेन्स के लिए क्या है एम लिख दिए, ठीक है ना, वुमेन हो गए, मेन्स हो गए, अच्छा वुमेन मेन हो गए। और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं बॉयज के लिए, और यहाँ लिख देते हैं गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को जी से। टैली मार्क्स शुरू करते हैं, कैसे शुरू करेंगे टैली मार्क्स, ये आपका टैली मार्क्स लिखा है, ठीक है ना। टैली मार्क्स शुरू कीजिए, काउंट बोलते जाइए और लिखते जाइए। देखिए उमेन, पहले सबसे पहले उमेन देखिए, डाटा पढ़ना शुरू करिए, डब्ल्यू उमेन है, यहाँ एक लाइनिंग खींच देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट उमेन है, यहाँ लाइनिंग खींच दीजिए, टैली मार्क बताया हूँ आपको, है ना। नेक्स्ट थर्ड क्या उमेन है, तीसरी लाइन हो जाएगी, लाइन को थोड़ा बड़े बड़े कर देता आपको दिखाई दे, वन टू थ्री, थ्री वुमेन हो गए। अगला गर्ल्स है ना, गर्ल्स में चले जाइए, गर्ल्स में एक लाइन हो जाएगी। अगला बॉयज है, बॉयज में चले जाइए, एक लाइन बॉयज में हो गई। नेक्स्ट वुमेन है, वुमेन में एक लाइन हो गई। नेक्स्ट फिर वुमेन है, चार के बाद अगला करते हैं तो इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, पांच हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, मेन होंगे, मेन कितना है एक हो गए। नेक्स्ट गर्ल्स हो गई, गर्ल्स कितने होंगे एक हो गए, तो गर्ल्स में चले जाए। फिर नेक्स्ट फिर गर्ल्स है, फिर तीसरी गर्ल्स हो गई, तीन लाइन हो गया गर्ल्स में। नेक्स्ट मेन हो गए, मेन कितने हुए एक और लाइन हो गई इसमें, दूसरा मेन है तो दूसरी लाइन, फिर तीन लाइन हो गई इसमें। अगला डब्लू है, मतलब वुमेन है, वुमेन में एक लाइन और चलिए, क्योंकि पांच हो गया तो अगला छह ऐसे चलेंगे। फिर दूसरा भी वुमेन है, दूसरी लाइन चले जाइए, तीसरी भी वुमेन है तो तीसरी लाइन चले जाइए, वुमेन है ना। चौथी भी वुमेन्स में आते हैं तो चौथी लाइन चल दीजिए, ठीक है। अगला जी गर्ल्स है ना, गर्ल्स किस में, ये देखिए गर्ल्स यहाँ है तो तीन हो गया था, चौथा हो जाएगा। अगला बॉयज हो गए, बॉयज में चले जाइए, बॉयज में एक और हो गई। नेक्स्ट मेन हो गए, मेन्स में चले जाइए, मेन्स में एक और चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए वुमेन में, वुमेन देखिए चार हो गया तो एक और चलेंगे, तो पांच या ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अगला चलेंगे बॉयज, बॉयज में चलिए, बॉयज में दो हुआ था एक और हो गया। टेलीमार्क्स चल रहा है, गर्ल्स है, गर्ल्स चलिए, ये देखिए चार गर्ल्स हो गए थे एक और चलेंगे तो पांच हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट फिर गर्ल्स है तो गर्ल्स में फिर एक और बढ़ेंगे तो पांच के बाद एक छठा हो गया। फिर चलिए मेंस में, मेन कितने हो गए, मेन चार है एक और कट कर दीजिए, पांच हो गए। फिर चलिए डब्लू वुमेन के लिए, वुमेन देखिए पांच हो गया था एक और चलिए वुमेन के लिए। नेक्स्ट फिर वुमेन है ना तो एक और चलिए वुमेन के लिए। लाइन लाइन खींच रही है टेलीमार्क्स में, जितने वुमेन आते जा रहे हैं। मेन के लिए एक लाइन ऑफर करिए, मेन देखिए पांच हो गया था छठा ये चलेंगे। नेक्स्ट फिर मेन है, मेन फिर होगा फिर एक लाइन चलेंगे। अगला तो वुमेन है, दो वुमेन है ना, दो वुमेन के लिए देखिए तो एक लाइन और दो मैन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए तीसरा भी वुमेन, अगला भी वुमेन है तो ये चार हो गया था एक और चल दीजिए, पांच हो जाएगा। नेक्स्ट मेन हो गए, मेन के लिए देखिए
दो हो गया था, एक तीन हो गया, अगला उमेन हो गए, उमेन में फिर चलिए एक, नेक्स्ट बॉयज में चलिए फिर एक चल दीजिए, नेक्स्ट उमेन है, उमेन में फिर एक चलिए, लाइन खींचते रहिए जितनी काउंट करते हैं, एक और गर्ल्स आई तो गर्ल्स में एक लाइन खींच लीजिए, मैन की बात कर रहे हैं तो मैन में देखिए तीन हो गया था, चार हो गया, फिर उमेन चलना, उमेन में एक और हो जाएगा, उमेन फिर चलना, फिर एक उमेन खींच लीजिए, फिर उमेन चलना, फिर एक हो जाएगा, मतलब चार हो गया तो पांच हो जाएंगे, नेक्स्ट फिर उमेन है, फिर एक लाइन आ जाएगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए लिख लीजिए, गर्ल्स कहाँ, यहाँ पर हो जाएगा तो एक लाइन गर्ल्स में आ गई, फिर उमेन आ रही, उमेन में फिर एक आ जाएगा, मेन दो है ना, दो मेन है तो दो मेन के लिए देखिए एक मेन तो यहाँ कट जाएगा, पांच हो गया और ये छह हो गया, नेक्स्ट चलिए उमेन, उमेन कितना हुआ, एक है, नेक्स्ट फिर उमेन है तो नेक्स्ट एक और उमेन ले लीजिए, ओके। अगला मेन, मेन का मतलब एक मेन इसमें आ जाएंगे, मेन हो गया। अगला देखिए फिर क्या है, उमेन है, उमेन फिर इसमें आएगा तो चार हो गया था, एक पांच हो जाएगा, नेक्स्ट चलिए गर्ल्स, गर्ल्स में चले जाइए, गर्ल्स में देखिए तीन हुआ था, एक लाइन और खींच दीजिए, चार हो गए, नेक्स्ट फिर उमेन है, उमेन के लिए एक और लाइन खींची, नेक्स्ट फिर मेल है, मेल के लिए देखिए मेल के लिए आप एक लाइन खींच लीजिए मेल में, नेक्स्ट आपका गर्ल्स है ना, गर्ल्स में आप चले जाइए, देखिए गर्ल्स में चार हो गया था, एक और आ गया तो पांच हो गया, अगला फिर उमेन है, उमेन में चले जाइए, एक लाइन और हो जाएगी, अगला दो मेन है, एक और दो मेन है, दो मेन के लिए देखिए तीन, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये, मतलब दो मेन के लिए एक हमने चार बना दिया और दूसरा पांच बना दिया। अगला फिर चलिए बॉयज है, बॉयज एक है तो देखिए बॉयज में चलिए चार हो गया तो एक और बॉयज आ गया तो पांच बॉयज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दो गर्ल्स है तो चलिए दो गर्ल्स है, दो गर्ल्स है तो दो गर्ल्स के लिए देखिए आपने पांच चली दिए थे, ये छठा और ये सातवां हो जाएगा। अगला लास्ट में एक और बचा है, एक उमेन बच गई है ना, एक उमेन और बच गई तो एक उमेन यहाँ और कर दिए, ठीक है। अब हम टैली मार्क से बना दिए, अब इसको काउंट कर लेते हैं, काउंट कैसे करेंगे, देखिए पांच का होता है तो फाइव, नेक्स्ट क्या होगा, ये भी फाइव होगा, ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइव बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी फाइव बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं टैली मार्क्स में, इसको भी फाइव बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फाइव हो गया है, ये सारे फाइव फाइव हो जाते हैं जो कट कर देते हैं, तो फाइव फाइव टेन प्लस फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी, और ये कितना होगा फाइव ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री कितना हो गया ट्वेंटी एट आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए फाइव फाइव और फाइव, तीन फाइव है मतलब फिफ्टीन हो गया, टोटल नंबर्स कितना आ गया फिफ्टीन हो गया मेंस के, बॉयज कितने हो गए, कितने हैं फाइव है तो यहाँ हो जाएगा बॉयज फाइव हो गया, और यहाँ देखिए कितने गर्ल्स हैं, ये हो गया फाइव फाइव टेन प्लस टू ट्वेल्व हो गए, तो ये टोटल ट्वेल्व हो गए, और इन सबको एड कर लें तो फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी एंड ट्वेंटी एट प्लस ट्वेल्व, ट्वेंटी एट प्लस ट्वेल्व कितना होगा थर्टी एंड फोर्टी, फोर्टी प्लस टू सिक्सटी आ जाएगा, तो टोटल आपके 60 पार्टिसिपेंट मतलब 60 शॉपर्स थे जो मॉर्निंग में विजिट किए थे। ये तो आपने क्या बना दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिए, ठीक है। अब इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को लेकर चलना, हमें क्या बनाना, बार ग्राफ ड्रा करना पूछा ना, एंड ड्रा बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, चलिए बार ग्राफ ड्रा करते हैं हम, ठीक है। बार ग्राफ के लिए अपना स्केल ले लीजिए एक बार, हम ड्रा करेंगे, नेक्स्ट लेकर चलते हैं बार ग्राफ के लिए, ठीक है ना। बार ग्राफ, बार ग्राफ ड्रा करने के सबसे पहले आप स्केल ले लीजिए जिसमें कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दो खींचना आपको। सबसे पहले हमने वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, लाइन थोड़ी बड़ी खींच लीजिएगा ताकि आपके डाटा जो है ग्राफ की वन साइड पर रखना है, ग्राफ के ऊपर पकड़ना इस कैलकुलेशन को, ठीक है ना। तो चलिए मैंने ये ले लिया, एक खींच दिया, इसको थोड़ा और आगे बना लेते हैं, चार पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी, ये हमारे पास हो गए हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। इक्वल इंटरवल पर यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, इक्वल इंटरवल से डिवाइड कर लीजिए, मान लीजिए दो दो सेंटीमीटर को मैं इसको कट करता हूँ, दो दो सेंटीमीटर का मैं यहाँ पर कट लगा देता हूँ, देखिए टू सेंटीमीटर का एक लग गया, नेक्स्ट टू सेंटीमीटर का, नेक्स्ट टू सेंटीमीटर का, नेक्स्ट टू सेंटीमीटर का, नेक्स्ट टू सेंटीमीटर का, इसी तरह से नेक्स्ट टू सेंटीमीटर और कर लीजिए, ये मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट करते चला दो दो सेंटीमीटर पर, और बार ग्राफ में पता है कि इक्वल इंटरवल के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वल इंटरवल पर लेकर हमें चलना है, जैसे अभी हम सबसे पहले उमेन मेन बॉयज और गर्ल्स को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले वाले जो ब्लॉक बनेंगे ये देखिए उमेन के लिए हमने लिख लिए, ठीक है ना, अगला मेन के लिए, बॉयज के लिए, और इसी तरह से गर्ल्स के लिए चले जाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक और ग्रैपिंग ले लेंगे हम, एक और ले लेते हैं, ये बना लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि जो डाटा को जो शॉपर्स होंगे उनको यहाँ लिखेंगे, ये हो गए हमारे शॉपर्स के लिए, ओके। और ये जो नंबरिंग हो गई वो उनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो लाइन हो गई
इसको क्या बोलेंगे, नंबर्स में, ठीक है ना, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं कि जिसमें हम 28 को काउंट कर पाए, तो आप 5 5 या 10 10 का इंटरवल ले लीजिए। देखिए मेरे हिसाब से 20 मैक्सिमम 28, इतने से लेकर यहाँ तक में सबसे बड़ी नंबर 28 है, तो आप 5 5 का इंटरवल बना लीजिए इस लाइन पर, ठीक है ना। तो 30 तक बना लेते हैं, चलिए 5 5 का इंटरवल बनाते हैं 30 तक के लिए। हमने ये आपका मान लीजिए 0 हो गया, 0 होगा ही यहाँ से, तो 5 5 को बनाइए, ये 5 हो गया, 5 के बाद दूसरा 10 हो गया, अगला 15 हो गया, 20 हो गया, है ना, मान लेते हैं 20, और ये हो गया 25 हो गया, 30 हो गया, अगला हो गया हमारे पास 35 हो गया, और नेक्स्ट दो और ले लेते हैं, 35 के बाद 40 ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। यहाँ नंबर ले लेता हूँ मैं, ये आपका हो गया 5 के लिए, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 15 को, ये 20 को, 25 को, 30 को, 35 को और 40 को, मैक्सिमम 28 है ना, तो आप 38 तक खींच सकते थे। इनके बीच में कितनी गैपिंग होगी, 5 लाइन होगी, ठीक है ना, काउंट करके लिख सकते हैं। अब चलिए पहले हमें दिखाना उमेन, उमेन की नंबर कितनी है, 28 है। तो उमेन्स देखिए, हमने पहले नंबर यहाँ पर मान लेते उमेन्स को रिप्रेजेंट करें, 28 कितना होगा, देखिए 25 के ऊपर काउंट कर लीजिएगा, 25 से 30 के बीच में 5 कट ऐसे होगा, वो ग्राफ पेपर पर देखेंगे तो 25 26 27 एंड 28, ये 28 होगा। तो मैं यहाँ पर 28 के लिए ग्राफ खींचने जा रहा हूँ, जो कि बार ग्राफ मारा होगा, जस्ट 28 के सामने होगा, और ये लाइन खींच देते हैं, ये लाइन इतने ही हाइट का दूसरी लाइन खींच दीजिए, जो कि उतने ही गैपिंग का होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये देखिए लाइन हो जाएगी 28 के लिए, ठीक है, हमने ये लाइन खींच दी। अब ये 28 हमारा यहाँ था, तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, ये 28 है, तो 28 यहाँ था, तो मैंने इसके सामने ये मिला दिया, इसको देखिए, ये आप ज्वाइन कर दीजिए इसको, ठीक है, ये हो गया। एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिखने के लिए आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिएगा इसमें, अगर लिख सकते हैं तो, है ना, ये हो जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने नंबर्स तक, इनके नंबर्स कितने, 28 है। नेक्स्ट मेन को दिखाना, तो इक्वल इंटरवल पर गैप कर दीजिए, बार ग्राफ में क्या होता है, इक्वल इंटरवल होते हैं, और कितना चलना, 15 15, मतलब यहाँ तक चलना। तो आप सबसे पहले कीजिए क्या, 15 यहाँ है, स्केल रखिए, उसके सामने जस्ट इस लाइन के ऊपर एक डॉट लगा दीजिए, ताकि पता चल जाए कि 15 यहीं तक चलना है। अब मैं यहाँ पर इतना गैपिंग छोड़कर एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, देखिए ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये लाइन मैंने ड्रा कर दिया, किसके लिए, हम मेन के लिए ड्रा कर रहे हैं, इतने ही गैपिंग पर दूसरी लाइन भी ड्रा हो जाएगी, ठीक है ना, ये हो गया। और इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिए। ये जो आपके होने चाहिए वो कहाँ तक होने चाहिए, 15 पर होना चाहिए, देखिए 15 पर आ जाएगा एकदम, ये 15 पर आएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट के चलेगा कितना, बॉयज, बॉयज कितने, 5 है, तो 5 तुम्हारा ही है, तो हमने इसके सामने एक डॉट लगा लेते हैं, ताकि हमें पता चले इतने ही हाइट पर होगा, यहाँ तक होगा, ठीक है, और हम इतने गैपिंग, इतना गैपिंग यहाँ पर भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको लेकर किस पर, बॉयज के लिए लेकर चलते हैं। तो बॉयज के लिए 5 ड्रा कर लीजिए, देखिए यहाँ इतनी हाइट लेना है, और यह हो जाएगा बॉयज के लिए, इतने ही इक्वल इंटरवल पर दूसरी लाइन खींचेंगे, ये हो गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए, यह आ गया, है ना, यह आ गया हमारा, और इसको हम बोलेंगे ये हमारे बॉयज के लिए है, ओके। ये बॉयज के लिए कितने नंबर्स, आप बॉयज कितने, 5 है। अगला चलना है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए क्या करेंगे, गर्ल्स में कितना, 12 होना चाहिए, सॉरी गर्ल्स कितने, 12 है, तो 12 के लिए देखिए ये 10 है, तो ये मान लीजिए 11 हो जाएगा, और ये 12, ठीक है ना, आपके ग्राफ पेपर में होगा उतनी हाइट का। तो 12 के सामने मैं एक डॉट लगा लेता हूँ, मुझे इतनी हाइट तक चलना है, तो मैंने मान लिया कि हमारा 12 का है, तो मैं इतनी ही, जितनी गैपिंग इसमें चल रही है उतनी गैपिंग छोड़कर मैं गर्ल्स के लिए भी लेकर चलता हूँ, इतनी हाइट की एक लाइन खींच लेते हैं। ये देखिए गर्ल्स के लिए हो जाएगा, एक लाइन यहाँ हो गई और दूसरी लाइन यहाँ हो गई, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका गर्ल्स के लिए।
ये गर्ल्स के लिए हो गया। तो देखिए ये बाल का फिर भी हुआ क्या, ये मैन को रिप्रेजेंट करता है जो कि नंबर ऑफ मैन कितने हैं, सपोज नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं 28, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, नंबर ऑफ मैन 15 थे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं तो 5 थे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 12। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। तो हमने बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दोनों ड्रा कर दिए। एक बार कंप्लीट क्वेश्चन देखकर नोट कर लीजिए इसको।